सही है भाई, एक नंबर। कपड़ा मिला भाई को नया, और पहले दूसरे कपड़े पहनते थे, बट भाई ने नया कपड़ा कंपनी ने दिए उन लोग को। अब जितने भी यहाँ पे हाउसकीपिंग आई थिंक स्टाफ हो गए मॉल वाले, वो सबके नए कपड़े मिले, तो मैं देख के शौक हो गया, ये भाई कहाँ से, ये कैसा सीन है। तो होता है ना, तो बोला कि भाई नया कपड़ा दिया, हमारा यूनिफॉर्म चेंज हो गया। तो लेट्स सी बाकी के जो मॉल में जो हाउसकीपिंग का काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जो इन यहाँ के कोई चीज़ के लिए, भले से उनको सैलरी मिल रही है अच्छी खासी, ठीक है, बट बोलते ना एक नया कपड़ा मिला, अलग यूनिफॉर्म मिला, तो थोड़ा अलग ही दिख रहा है भाई। वैसा यूनिफॉर्म मैंने ना रेस्टोरेंट में लोगों को सर्व करते हुए देखा है, बट सही है यार। तो फाइनली अभी आप बच गए हैं, ऑलमोस्ट 6 ही बजने वाले हैं, मैं पहुंच गया अपने काम पर और चलते हैं, काम ख़त्म करते हैं। वैसे कि सैटरडे को है ना दोपहर में बिजी होता है, बट आफ्टर 6 o'clock पूरे धीरे धीरे लोग चले जाते हैं अपने घर पर ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि कल वापस से जॉब होती है। तो चलो लेट्स गो। ये है मॉल, भाई वाह सही है, सब बढ़िया है भाई। तो भाई पैसे के लिए क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है भाई, वो जो थर्ड पार्टी क्लीनर है ना भाई, एक्चुअली उसका ड्यूटी है ना 4 बजे से होता है, मगर वो टिप मिल जाता है ना, क्योंकि डाइनिंग जब बिजी होता है तो उठाना पड़ता है ट्रे वगैरह, तो उसमें थोड़ा बहुत उसको है ना फ़ायदा हो जाता है। तो उस फ़ायदे की वजह से वो है ना शनिवार एंड फ्राइडे को 12 बजे आता है, बट क्या ही करें, अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है यहाँ पर, पूरा खाली हो रखा है, एंड मेरा भी काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो बस बाकी सब तो बढ़िया ही है यार, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्या करें क्या नहीं करें कैसे करें, आप लोगों को क्या अभी मतलब क्या ही बताऊं। और आज जो मैं ना ऐसे YouTube पे ना स्क्रोल ही कर रहा था, तो मेरे को एक लेडीज़ का मतलब YouTube मतलब दिखा उसका थंबनेल, एंड मैंने क्लिक किया। यार सब लोग है ना आज के टाइम पर YouTube पर स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कितने लोग नया चैनल एवरीडे बन रहा है, हज़ारों लाखों वीडियो एवरीडे अपलोड हो रही है, एंड वही मैं देख रहा था यार, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी मेहनत करना पड़ेगा भाई। मिलता है किसी को जल्दी मिल जाता था बोलता, किसी को देर में मिलता है, सही है भाई, बहुत ही बढ़िया है। चलो तो भाई लगे रहो, अगर आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हो, शॉर्ट से स्टार्ट करो या लॉन्ग से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो, कुछ नहीं करने से अच्छा तो कुछ तो करो, क्या पता कुछ हो ही जाए। भाई मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी लगे रहो। ड्रेस नंबर 1 भाई, गुड ड्रेस, मस्त बना दिया है, ऐसा लग रहा है किस, हाँ किसका, तमिल का, आई वाह नंबर 1 लग रहे हो भाई। भाई लोग का ड्रेस चेंज हो गया आज से, तो मैं आज गया था ना जब वॉशरूम में देखने के लिए, तो देखा तो वॉशरूम में भी भाई ड्रेस चेंज, मतलब जितने भी यहाँ पे जो क्लीन वगैरह सा करते हैं ये सब, तो भैया मस्त तो बहुत, तो धुला के कंपनी देगा, खुद धोना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है भाई, पहले से एक वार्निंग भी दे दिया है, अगर कपड़े में कोई दाग वगैरह लगता है तो सीधा 20 KD मतलब 5,000 का फाइन। तो देखो कैसे काम कर रहा है भाई, देख लो सारे कोने क्या सही है क्या नहीं है, सब भी क्लीन भी करना पड़ता है, बट क्या ही करे यार, जिंदगी होती है यार, और बोलते ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी तो अपनी फैमिली को छोड़कर हम लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, और सोचते हैं कि यार सब कुछ अच्छा हो, मगर जो रिलेटिव्स वाले होते हैं ना, जो फैमिली मतलब जो आपसे प्यार तो करते हैं सपोर्ट करते हैं, वो लोग को नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ लोग होते हैं ना, अरे भाई साहब इनका लड़का उधर गया है, पैसे उड़ेल रहा है, 1 मिनट हाँ ठीक कर लेता हूँ, ओके। तो जो लोग बोलते हैं ना, अरे भाई साहब पैसे उड़ेल रहा है, देख ये सब स्वीपिंग कर रहा है ना, देख रहा हूँ स्वीपिंग कर रहा है, ये पूरा मॉल समझ रहे हो, मॉल काफ़ी बड़ा है, वहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक मेरी आपकी नज़रें जाती है इस कैमरे में, काफ़ी लंबा है, तो समझ रहे हो। ये जो लोग रिलेटिव्स कुछ बोलते हैं, अरे भैया पैसा छाप रहा है वहाँ पे, नहीं जी कभी सोना आराम होता है, कभी कितनी रातें मतलब बोलते हैं ना सुबह ड्यूटी पे जाने का है और इतनी सारी रातें भी हराम हो जाती है, कभी कभी भूखे रहना पड़ता है, मतलब बहुत चीज़ें चल रही है। देखो नाइट टीम वाले ये लोग, ये दिख रहे हैं नाइट आ रहा है, और वो भी नाइट से ज्वाइन कर लिए हैं, पहले जो उनके साथ में दिख रहा है कपड़ा, पहले वैसा कपड़ा था, अभी इनको मिला ऐसा कपड़ा, भाई साहब तो ये भाई मेरे लिए तो मोटिवेशन है, ये लोग को मैं देखता हूँ ना तो आई लाइक की मोटिवेशन मिलता ही है कि यार ये लोग कर सकते हैं, कि वाई शुड वी नॉट,
अरे गंडो तू नहीं आया यार। तो बस खत्म हो गया ड्यूटी और सब लोग ये लोग दोनों जा रहे हैं वॉशरूम वगैरह। तो मैं तो सोचा कि यार अपना ये ब्लॉग फिनिश कर लेता, जैसे ब्लॉग स्टार्ट ही करने जा रहा था तो ये लोग पूरा स्वीपिंग करते थे, को यहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक पहुँच गया आखिरी में। तो जहाँ सीन ऐसा ही है, अच्छे लग रहे यार ऐसा, तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट में बाहर ही रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बट कोई नहीं यही लाइफ है यार कुवैत में। क्या ही बोले, कोई नहीं है यार, कोई नहीं, ये सब मछली लोग है भाई, ये जो दिख रहे हैं ये मछली लोग हैं, कम समझ में आता है लोग को। लोगों तो कुछ होते हैं ना इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे होते हैं भाई, ऐसा लगेगा कि ये तुम्हारे मैनेजर रहे, तुम्हारे साथ में ही काम करे, तुमको बहुत मजा आएगा। मगर कुछ लोगों ना ऐसा झगड़ालू होते हैं ना, और ऐसा कंपटीशन करते हैं ना, तू कर रहा है तो तू ब्रेक पे इतना टाइम लिया, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आपको बोल नहीं सकता हूँ मैं इतनी सारी चीज़ें। मगर जब आप लोग यहाँ पर आओगे ना तो आपको पता ही चल जाएगा कि किस तरह का कॉम्पिटिशन होता है। वो इतने टाइम के लिए गया तो मैं भी लूँगा, ये कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा, समझ रहे हो, मेरे को मॉर्निंग कर रहा है तो वो भी मॉर्निंग करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। सारा मेडक है ना पूरा मैनेजर के ऊपर आ जाता है, मैनेजर कैसे संभालते हैं वही जाने। हमारे मिस्टर खान थे यार, क्या बंदा था यार, मानना पड़ेगा। एक्सपीरियंस करने के बाद में पता चलता है ना कि आप किसके साथ में काम कर रहे हो, वो बंदा कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है। तो भैया मिस्टर खान के साथ में मैंने काम किया, ही इज अ रेस्टोरेंट मैनेजर, ही इज वर्किंग लास्ट 15 ओवर ईयर, मगर अब फैमिली कैनेडा चले गए, तो भाई बल्ले बल्ले वहाँ पे अपनी। अभी उनका मैसेज भी आया था कि बोल रहे कि मैं फैमिली भी लेके आने वाला हूँ शशिकांत। मैंने बोले कि तू भी आ जा कैनेडा, मेला नहीं यार अभी नहीं है, पहले आप सेटल हो जाओ बढ़िया अपनी फैमिली उनके साथ में तुम्हारे। इनकी फोटोज वगैरह मैं फेसबुक पे बहुत देखता हूँ, कभी ग्रिल करके मतलब बॉन फायर के साथ में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्लेस है ना, तो भाई अलग ही सीन चल रहा है उनका। तो भाई आओगे ना धीरे धीरे, आपको अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ में जब काम करने का मिलेगा ना मौका, तो आपको रियलाइज़ होगा यार सच में लाइफ ऐसी भी होती है यार, सच में बता रहा हूँ। तो फिलहाल अब घर जाने का टाइम हो गया, घर पे बाकी की बातें और इस वीडियो को समाप्त करेंगे भैया। लिटरली बता रहा हूँ, भूख के मारे इतनी जान निकल रही है ना, इतना जोर का भूख लगा है। सुबह दोपहर में 1 बजे खाना खाया था, फिर बाद में मैंने कुछ 6:30 के 7 बजे मैंने नाश्ता किया था, और नाश्ता यानी जो मेरा स्टाफ मिल होता है ना मैंने एक्सचेंज किया था, तो वो खाया था मैंने। तो अब जाके बज रहे हैं कितने बज गए टाइम देखते हैं, तो तुम लोगों को पता भी चल जाएगा। 2:09, 2:09 हो गए। ऐसा पेट भी आवाज कर रहा है टर टर कर। तो फटाफट से पिंक शैम्पेन। तो हो गए हम तो रेडी भैया नहाने के लिए, नहा के आएंगे, पहले दाल राइस रखा हुआ अच्छा हुआ उसको खाएंगे, खा के सो जाएंगे। जी यार ये मेरी लाइफ तो अभी यही चल रही है फिलहाल, तो इसकी वजह से आपके साथ में मतलब मेरे पास में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है शेयर करने के लिए, नहीं तो फिर मैं ज़रूर बताता कि क्या सीन है क्या नहीं है। और हाँ जी यही डेली लाइफ है यार, आओ अपनी घर गृहस्थी, सबकी घर गृहस्थी बसी हुई है, तो जी हाँ घर गृहस्थी बसाओ। और मेरे मम्मा ने कुकर दिया था, देखो कुकर काम आ रहा है आज, तो सही है यार चल रहा है। चलो मैं नहाना हूँ और कल सुबह मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। तो भैया जैसे उठा देखा कि 10:30 बज गया, 10:40 ऑलमोस्ट हो गया है, और मेरे को है ना लगी है भूख। अब जाहिर सी बात है सुबह कल रात को 3 बजे जब अब आओगे नहाओगे धोओगे तो नाश्ता कुछ मिला नहीं है। पहले मैं चल रहा हूँ पहले डोसा खाऊंगा, और 20 मिनट में मेरे को है ना वापस से ये वाले एकोमोडेशन पर नहीं आऊँगा, मेरे को दूसरे वाले एकोमोडेशन जो वहाँ पर है ना मेरे को वहाँ पर जाना पड़ेगा 20 मिनट में। भाई इतना फासला से रेडी हुआ ना, मैं ही जानता हूँ भाई ऐसा होता है सीन, देख लो कल ही बात कर रहा था और आज भी ऐसा सीन हो गया मेरे साथ में, क्या पता मेरे नसीब में डोसा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि चटनी ख़त्म हो जाती है ना, मेन दिक्कत यही है। भाई मेहनत कर रहा है देख लो, कड़कड़ाती धूप में भाई ऐसा किया मेरे को, कड़कड़ाती धूप में भाई मेहनत कर रहा है, चलेगा मेहनत तभी तो फल रहा है जी, क्या बोल रहा हूँ, मेहनत तभी तो फल लेके आएगी, हाँ ये बोलने का था मेरे को। चल चल भाई टेढ़ा मेढ़ा हो गया यार, बट कोई नहीं सब बढ़िया है, ये एक्सपीरियंस करने का मौका है, चलो करते रहो यार।
राइडर लोग बहुत दिख रहे हैं मेरे को तो। देखो अरे बता रहा, धूप है ना, चमचमाती जलती हुई धूप है, मार रहे। पहले मेरे को तो ऐसा लगा बंद है। मेरे पास में ना सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट और बचा हुआ है, और फटाक से 10 मिनट में खा के फटाक से भागना है, मतलब 5 मिनट वहाँ पे लग जाएगा जाने के लिए। बस मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं रुकेगा, अगर बस लेट हो जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लेट फटाक से भी आना लेके आएगा, और ये चटनी वगैरह सब खाली पड़ी देख रहे हो, यही चीज़ होता है लेट आने का। अगर मॉर्निंग में आएंगे ना सब गर्म गर्म मिलता है। भाई कौन मिल गया अपने को, देखो माशाल्लाह। कहाँ पर है तेरा जिम भाई, तेरा जिम है कहाँ पर? हट, चिकनी चमेली बना लिया लग रहा है फिजिक वगैरह। वहां पे लंबा है क्या? हाँ जिम करके आ रहा है, ठीक है। पहले अपने दूसरी जगह पे जिम बना लेगा, और फिर बाद में अपने बिल्डिंग के अंदर ही जिम है ना, फिर वहां पे करेगा। कितना लगा जिम का? मुंह तो खोल, खुलेगा। कितना लगा? के साथ साथ बजट भी खुलेगा भाई, मुंह के साथ साथ। कितना लगा? लग गया 30 25 by 25 में पहला महीना या 3 महीना? 2 महीना 35 3 महीना 30 सही है भाई। तो कितने महीने के लिए? ओके भाई जॉब के साथ में जिम के लिए टाइम निकालना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो आप लोग आओगे ना धीरे धीरे तो पता ही चल जाएगा क्या चैलेंज होता है। 12 घंटे की ड्यूटी 3000 KD का सेल, 3000 आप लोग लगता होगा ना ये छोटा मोटा है, नहीं जी पूरा बोल रहा ना, ऊपर से लेकर पसीना नीचे तक चले आता है और बॉडी पूरी टूट जाती है, और फिर बाद में ना खाली खाना और सोना चाहिए होता है। मगर उसके बावजूद भी भाई हार्डवर्क कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। चलो भाई सही है, अब मैं जा रहा हूँ अपने जॉब पे, मैं शाम को जाऊँगा। ये इसको देख के मैं भी कभी कभी इंस्पायर हो जाता हूँ, भाई मेरे को भी जाना है, मगर बहुत लेट देख तेरा सेल लगी इसको। तो भैया बस मिल गई, बस मिल गई। मुझे लगा कि मेरे को दूसरे वाले से पकड़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर पकड़ना पड़ा, सही है। अभी थोड़ा फैमिली से बात करूँगा कि फैमिली वाले का फ़ोन आ रहा है, क्या है किधर है, सुबह से फ़ोन नहीं लग रहा है तेरा, वही सब पूछ रहे लोग भी, सही है ना। देख भाई वो देख बॉडी बिल्डर जा रहा है यार, सब लोग जिम कर रहे हैं यार, मेरे को भी लालच लगता है जिम करने के लिए, कसम से बता रहा हूँ। मैं भी करेगा रात बाद। गुड आ यार, अभी वो आया नहीं, फिर वापस कब जाएगा, वापस कब आएगा? अभी खतरनाक ड्यूटी है। कहाँ पे ट्रांसफर हो गए? हम लोग स्टोर में दो लोग थे, मतलब जिसका वो आगे लाइसेंस ट्रांसफर तो इसमें। अच्छा अच्छा हाँ नया खुला ना वो तो, कितना टाइम हो गया उसको? 3 इयर्स हो गया ना इसको, सही है भाई, सही है भाई। हाँ 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 होता है ना कि कितना कितना चैप्टर है, क्या है, कैसे करता है, सही है भाई, सही है भाई। तुम्हारा लाइसेंस वगैरह कब आने वाला है? अब क्या मालूम कौन से जन्म में दौड़ा रहे हो गया। हमारे यहाँ से एक ड्राइवर को सवार कॉम्प्लेक्स भेज दिया, वफरा कॉम्प्लेक्स में। किधर? वफरा भेज दिया शाकिर को ना। हाँ शाकिर को, शाकिर हमारे स्टोर का है। अच्छा मेरे को रख दिया क्लोजिंग में, भाई क्लोजिंग में फिक्स। कौन सा स्टोर है? नॉर्मा मॉल। नॉर्मा मॉल, हाँ अच्छा। मगर तू अंदर भी काम करता है ना? हाँ
के बाहर ही रहता है? अंदर ना, सही है, चलो सही है। इतना अच्छा किया कि अंदर मेरे को अंदर से भेजते नहीं किधर। सही है सही है, सीखने भी मिल जाता है ना। क्या फ्रायर पे पूरा आके लाया हुआ ना? ओ भाई वो तो खाली थर्सडे फ्राइडे तो वाट लग जाती है, बाकी तो नॉर्मल है। तो गाइस इसी के साथ में फ्रायर पे बर्गर भी सब सब आठ ओहो भाई एक्सपीरियंस चाहिए भाई। सही है, तो ये रहा लग्जरी जिम, आप लोग देख लो भाई। ये तो अभी तो बिजी नहीं होता है, मगर ये रात को ना फटे बिजी होता है। रात को पता नहीं पब्लिक कहाँ कहाँ से आती है। तो चलो वीडियो समाप्त करते हो, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। काजू में और देख लो भाई कितना प्यारा दिख रहा है ना भाई। नसीब वाला हूँ कसम से बता रहा हूँ, मैं नसीब वाला हूँ। मेरे को जो ये सब चीज़ें देखने मिल रही है, एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, वरना मैं मुंबई की सड़कों पर अभी भी धक्का खा रहा होता। बट मुंबई भी किसी से कम नहीं है भाई, वहाँ पे लोग कितने लोगों का सपना पूरा होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है, वहाँ पर उनका, क्या पता यहाँ से मेरा भी सपना पूरा होने लग जाए। चलो बाय, टेक केयर।